Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 कारक केस। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। विपिन ने खाना खाया। सार्थक रीता को बाजार ले गया। अपूर्व साइकिल से मेले गया। अक्ष अपने भाई के लिए मिठाई लाया। यह अभय का परिवार है। पेड़ पर बंदर बैठा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ने, को, से, के लिए, का, पर ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों विशेषत क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है कारक कहलाता है। कारक के प्रकार काइंड्स ऑफ केस। कारक 8 प्रकार के होते हैं। एक कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है, जैसे मयंक पुस्तक पढ़ रहा है, मयंक ने पुस्तक पढ़ी। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों से स्पष्ट होता है कि मयंक क्रिया का करने वाला है, अतः मयंक कर्ता कारक है। यहाँ दूसरे वाक्य में मयंक के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है जबकि पहले वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार कर्ता कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है और बिना कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है। दो कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है, जैसे माता भोजन बनाती है, माता भोजन को परोस रही है। यहाँ पहले वाक्य में बनाती है क्रिया का फल भोजन है, दूसरे वाक्य में परोस रही है क्रिया का फल भी भोजन है, अतः इन वाक्यों में भोजन कर्म कारक है। पहले वाक्य में भोजन के साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि दूसरे वाक्य में भोजन के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक की भांति कर्म कारक का प्रयोग भी कारक चिन्ह के साथ तथा बिना कारक चिन्ह के हो सकता है। तीन करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। करण का अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से कार्य क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है, जैसे रवि साइकिल से विद्यालय जाता है, बच्चे बस के द्वारा विद्यालय गए। यहाँ पहले वाक्य में साइकिल तथा दूसरे वाक्य में बस क्रिया के साधन है, अतः दोनों करण कारक हैं। चार संप्रदान कारक डेटिव केस। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए तथा को है, जैसे तुषार अपने मित्र के लिए उपहार लाया, रवि ने दक्ष को कलम दी। यहाँ पहले वाक्य में मित्र के लिए क्रिया की गई है या मित्र के लिए उपहार लाया गया है, दूसरे वाक्य में दक्ष को कलम दी गई है, अतः इन वाक्यों में मित्र तथा दक्ष संप्रदान कारक हैं। पांच अपादान कारक एब्लेटिव केस। अपादान का अर्थ है अलग होना। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बादल से बूंदें गिरती हैं। इन वाक्यों में पेड़ से पत्ता और बादल से बूंदें अलग होने का कार्य कर रहे हैं।
अतः पेड़ और बादल अपादान कारक है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। 6. संबंध कारक रिलेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का के, की, रा, रे, री है, जैसे यह अदिति का बस्ता है, वह सुमेर की पतंग है। इन वाक्यों में अदिति का बस्ते से तथा सुमेर का पतंग से संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए अदिति तथा सुमेर संबंध कारक हैं। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर है, जैसे जंगल में जानवर है, पेड़ पर कौआ बैठा है। इन वाक्यों में जंगल तथा पेड़ अधिकरण कारक हैं, क्योंकि जंगल तथा पेड़ क्रमश जानवरों के रहने तथा कौए के बैठने की क्रियाओं के आधार हैं। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, बच्चों, चलो घर आओ। कारक उनके चिन्ह और प्रयोग। कारक, कारक चिन्ह, प्रयोग। 1. कर्ता ने, मोहित ने गाना गाया। 2. कर्म को, सचिन रवि को पढ़ाता है। 3. करण से, कलम से खत लिखो, के द्वारा, यह खत डाक के द्वारा भेजो। 4. संप्रदान के लिए, मैं अखिल के लिए कमीज लाया हूँ, को, मानव ने किताब राखी को दी। 5. अपादान से, पेड़ से फल गिरते हैं। 6. संबंध का, यह अपूर्व का घर है, कि सौम्य की दीदी आई है, के पुस्तक के पन्ने फटे हुए हैं, रा तुम्हारा घर कहाँ है, री मेरी कमीज अलमारी में है, रे हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। 7. अधिकरण में आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पर पेड़ पर बंदर बैठा है। 8. संबोधन कोई चिन्ह नहीं, हे प्रभु दया करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।